आईआईटी बीएचयू में बुधवार देर रात छात्रा से हुई छेड़खानी के विरोध में आज आईआईटी के स्टूडेंट सड़क पर उतर आए। करीब 2000 से ज्यादा छात्रों ने कैंपस में जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान डायरेक्टर हाय हाय के छात्रों ने नारे लगाए, साथ ही छात्रों द्वारा क्लोज कैंपस की मांग की जा रही है। दरअसल बीएचयू कैंपस में बाहरी तत्वों का प्रवेश पर रोक लगने की मांग छात्रों द्वारा की जा रही है। बताते चले कि बीती रात 2 बजे आईआईटी के छात्र और छात्रा कहीं जा रहे थे, उतने में बाहर से आए कुछ मंचलों ने पहले दोनों को अलग अलग किया। इसके बाद छात्रा के साथ में छेड़खानी कर छात्रा का वीडियो भी बनाया, जिसके बाद छात्रों की सुरक्षा की मांग को लेकर छात्र लगातार धरने पर है और प्रशासन से आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। फिलहाल प्रशासन छात्रों को समझने में लगा हुआ है और अब देखने वाली बात होगी कि छात्र कैसे मानते हैं। मेरा नाम सुनील वर्मा है, मैं पीएचडी सेकंड ईयर का छात्र हूँ फिजिक्स डिपार्टमेंट का। एक्चुअली हमारा मेन मुद्दा यहाँ पे सिक्योरिटी का है, क्योंकि ओपन कैंपस है तो यहाँ पर बाहर के लोग आते हैं रात में, और हम लोग जैसे रात में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, तो वो लोग हम लोग यहाँ के छात्रों के साथ बदतमीजी करते हैं, जो कि इस कैंपस के लिए सही नहीं है। हमारी सुरक्षा, हम इनसिक्योर हैं अपने कैंपस में। आए दिन यहाँ पर रात में घटनाएँ होती रहती हैं, छात्रों के साथ छेड़खानी होती रहती है बाहर के लोग आकर के। इसको लेकर हमारा इशू है कि हमारे कैंपस को क्लोज चाहिए और हमें सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए। हम अपने कैंपस में सिक्योर होना चाहते हैं। अभी तक हमें यहाँ पर अभी तक तो किसी ने मुलाकात की, हम अपने डॉक्टर सर का वेट कर रहे हैं बस। ठीक है, जिस तरीके से ये घटना हुई है, क्या कहेंगे, ये पहली दफा ऐसा नहीं है जब कैंपस में इस तरीके की घटना हुई हो, और कुछ साल पहले भी कुछ इसी तरीके की वारदात हुई थी, बावजूद इसके ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। बिल्कुल, ऐसी घटनाएं विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही शर्मनाक है और निंदनीय भी है कि ऐसी घटना विश्वविद्यालय परिसर के अंदर नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसी घटना घटित हो भी गई है तो किस परिस्थितियों में घटित हुई है और इसके पीछे जिन लोगों का हाथ है उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, और विश्वविद्यालय प्रशासन इसकी जिम्मेदारी ले कि कैसे विश्वविद्यालय के अंदर जो सुरक्षा है छात्राओं के लिए, विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ने वाली कार्य करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित किया जा सके, इसके ऊपर विश्वविद्यालय प्रशासन को कार्य करने की आवश्यकता है। इस बात का भी है कि करोड़ों रुपए हर साल सुरक्षा के नाम पे खर्च होते हैं, बावजूद इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही। गन पॉइंट पर आपकी गन पॉइंट पर किसी छात्रा के साथ इस तरीके से सरेराज घटना होना, बिल्कुल इस घटना पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो या पूरा विश्वविद्यालय परिवार हो, सभी इस विषय पर बहुत ही चिंतन का विषय है कि आखिर विश्वविद्यालय के अंदर घटना घटित कैसे हो सकती है, जिस विश्वविद्यालय के अंदर लंबे लंबे वादे होते रहते हैं छात्राओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, यहाँ तक कि हर स्थान पर हम सुरक्षित हैं इसके बार बार घोषणाएँ की जाती रहती है, लेकिन उसी विश्वविद्यालय के अंदर अगर आज ऐसी घटना होती है तो इस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, और वो जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा भी देने की ज़रूरत है, ताकि विश्वविद्यालय के अंदर वापस से ऐसी कोई घटना घटित ना हो कभी। ये बच्चे धरने पे बैठे हैं, क्या मामला है, क्या जानकारी है? एक रात्रि में घटना घटित हुई थी एक महिला के साथ में, तो उस संबंध में जो है एक तहरीर पुलिस स्टेशन लंका को दिया है, जिसमें सुसंगत धाराओं में 354 और आईटी एक्ट की धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जिन लोगों ने इस तरह की हरकत किया है उनको ट्रेस करने का प्रयास किया गया है, टीम बना दी गई है और शीघ्र ही उनको जो है गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। थैंक यू।